मधुशर्मा। ये बताइए, जो कल निर्भया हत्याकांड के लिए जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर आपकी क्या राय है? हमारी तो यही राय है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया हुआ है वो बिल्कुल सही आया हुआ है, क्योंकि जो हमारी बहन निर्भया के साथ जो घटना घटी थी 16 दिसंबर 2012 को, वो एक बहुत ही दर्दनाक और निंदनीय घटना जो हमारी राजधानी दिल्ली में हुई थी, जिससे हमारा पूरा भारतवर्ष मातम के माहौल में छा गया था और इस निर्भया कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और हम उनके इस फैसले का सम्मान करते हैं कि हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे फैसले बनाया जाए कि जो हमारी जो बहन बेटियां हैं उनके ऊपर जो गंदे पुरुष अपनी गंदी नीयत रखते हैं उनके लिए भी सख्त कानून बनाया जाए कि वो आगे भी ऐसे करने की कोई हिम्मत ना रखे। मैं कहती हूँ कि फांसी की सजा तो उनको मिली है, तो उनको तो एक पूरी सब ठीक है, देश से आया ठीक आया, पर हम चाहते हैं कि हमारी निर्भया बहन जी की कुर्बानी। आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं ये फैसले में देर हुई है, इसके लिए कड़ा कानून बनाना, सरकार को बनाना चाहिए ताकि जल्दी इस तरह के फैसले जल्दी आ सके? ठीक है, मैं कहती हूँ कि ये इस सुप्रीम कोर्ट को या अपनी सरकार से मैं यही निवेदन करूंगी कि ठीक आपने आपको इससे सख्त सख्त कानून बनाना चाहिए था, पर मैं कहती हूँ आज भी अगर ये आप देर आए दुरुस्त आए पर उनको फांसी की सजा तो हुई ना, इस सजा से जो और भी हैं जो इस दुष्कर्म को करने की हिम्मत रखते हैं वो इससे पीछे हटे रहेंगे, और हमारी जो बहन निर्भया है निर्भया को इंसाफ मिला है उन दरिंदों को फांसी देके। और मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगी कि इससे भी सख्त से सख्त कानून बनाया जाए कि जो भी इस गंदी हरकत करने की आगे कोई हिम्मत ना रखे। धन्यवाद। पिछले कल निर्भया हत्याकांड को लेकर जिस तरीके से फैसला आया कोर्ट का, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, फैसले को लेकर क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसका हम जो मातृशक्ति है वो दिल की गहराइयों से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया, और इस फैसले के तहत ही आने वाली जो नौजवान पीढ़ी है वो अगर इस फैसले पर गौर करे तो उनको पता चलेगा कि ये दुष्कर्म करने के बाद हमें मौत की सजा हो सकती है। अगर हम किसी के साथ कोई भी ऐसा गलत काम करेंगे तो उसका जो हमें नतीजा भुगतना पड़ेगा वो बहुत ही भयंकर होगा। ये एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है सर्वोच्च न्यायालय ने, पर मैं इस फैसले से अभी इतनी संतुष्ट नहीं हुई हूँ क्योंकि ये फैसला आने में इतनी देरी हो गई कि जो घर वाले होते हैं, लड़की तो चले गई, ये एक ऐसा केस हुआ जिसमें बच्ची की मौत हो गई और वो इस फैसले को देख नहीं पाई, पर उसके माता पिता को कितना प्रताड़ित तो होना पड़ा, कितना सहना पड़ा, ये एक सोचने का मुद्दा है। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय ने ये एक फैसला लिया है, अहम फैसला लिया कि दोषियों को फांसी की सजा हो जाए, जब आगे आने वाले समय में उनको फांसी की सजा होगी, पर ये जो सजा है ये हो तो, पर इसका जल्द से जल्द नहीं है, कहीं ना कहीं फैसले जो है जल्दी आने चाहिए इस मुद्दे को लेकर, जिस तरीके से ये मुद्दा हुआ है, ये कांड हुआ है, महिला को सुरक्षा भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। तो आपको लगता है कि इस तरह के फैसले जल्दी आने चाहिए, इसके लिए कोई कड़ा कानून बनना चाहिए, कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को कड़ा कानून, सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए? मैं यही कहना चाह रही थी कि राज्य में यही कहना चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को जो ये फैसला लिया है इसमें इतनी देरी करने की बजाय ये फैसले जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो जाने चाहिए, ताकि दोषी को दोष करने से पहले ये रहे कि हमें इसके बाद जल्द से जल्द फांसी की सजा हो जाएगी। अगर ये देरी हुई है, ये 5 साल का लंबा पीरियड जो गया है, इसके कारण क्या हुआ पता नहीं, कितने दुष्कर्म हो गए, क्योंकि सबको यही लगता है कि सजा होगी उसके बाद लोगों को भूल जाता है कि दोषी को सजा हुई नहीं हुई। ये बात जो है अगर उसी समय इम्प्लीमेंट हो गई होती
तो आज जो सरकार से क्या मांग करेंगे कि मेरी सरकार से यही मांग है कि इस बात को महिला के आत्मसम्मान को बचाने के लिए उनको इसके बारे में कोई ठोस जो है कदम उठाने चाहिए और इसमें अपने लॉज में एक कानून में एक जो जो इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए कि जो जो रेपिस्ट हैं इनको जल्द से जल्द सजा मिलके इनको मौत की जो हवाले कगार पर कर दिया जाए ताकि जो बच्चे हैं वो जब नौजवान हो तो ये बात जरूर उनके जहन में रहे कि अगर हम ऐसा कोई काम करेंगे तो हमें भी मौत की सजा मिलेगी। और इसके एवज में मैं एक और बात राजी कहना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल कॉलेज वहाँ पर इस एक इसकी एक जो सेक्सुअल पर है एक एजुकेशन देने की बच्चों को जरूरत है क्योंकि हमारे बच्चों को पता नहीं होता कि ये गलत है या सही है। तो इसके लिए उनको अगर स्कूल में कॉलेज में एक उनके लिए एक सब्जेक्ट नियुक्त कर दिया जाए जिस तरह फॉरेन में है तो यहाँ भी ये कल्चर तो अब हमारे यहाँ भी तो बढ़ गया है तो बच्चों को पता भी नहीं होता कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। अगर स्कूल में कॉलेज में जब बच्चे 8th अबव हो जाते हैं आज आप देख रहे हो कि ये जो एज है ये नीचे की तरफ जा रही है बच्चों को ये जो मीडिया है या उसके कारण जो टीवी का जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसके कारण बच्चों को इस बारे में नॉलेज नहीं होती और वो गलत राह पर पड़ जाती हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार से कि स्कूलों में कॉलेजेस में ये जरूर एक पीरियड बच्चों को उसके बारे में गर्ल्स को बॉयज़ को उनको अलग से एक डेमो दी जाए उनको समझाया जाए तो हो सकता है कि ये जो अपराध है हमारे देश में कम हो जाए। धन्यवाद मैम। कोर्ट का फैसला आया था निर्भया हत्याकांड को लेकर। निर्भया एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी देश के लिए बड़ी शर्मशाली घटना थी। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था या इस तरह जो फैसले आते हैं कहीं ना कहीं देरी होती है तो क्या कहेंगे इस देरी पे आप? हालांकि फैसला उनके हक में आया तो कहीं ना कहीं देरी हुई है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया तकरीबन 5 साल के बाद ये फैसला आया 4.5 साल के बाद ये करना 2013 में 16 दिसंबर 2013 में फैसला अभी आया है तो मैं कहती हूँ चलो देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। पर फिर भी ये ऐसे जो कांड होते हैं जो जैसे कांड जो निर्भया के साथ बड़ा ही मतलब दर्दनाक घटना थी ये उसके लिए नहीं ये सभी भारत की सभी बेटियों के लिए दर्दनाक घटना थी और सभी पूरा भारत पूरी पूरा देश शर्मशार हो चुका था जो उसके साथ जुल्म हुआ जो उसके साथ बलात्कार हुआ जो उसकी हत्या की गई इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा देर किया। जो मेरा मानना यह है कि ऐसे जो केस हैं जो ऐसे जो लोग होते हैं इनके लिए इतनी देर नहीं होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को या देश सरकार को इसके लिए कड़े कानून बनाने चाहिए ताकि जल्दी फैसला आ सके उन लोगों को जल्दी फैसला के मतलब इंसाफ मिल सके? हाँ मुझे बिल्कुल लगता है कि ऐसे केस जो हों इसके लिए कड़े कानून बनने चाहिए और इतने कड़े कानून बनने चाहिए कि जो आने वाली नस्ल है जो नौजवान है आने वाली जो नौजवान है हमारे देश की जो पीढ़ी है उनको ये सबक हो जाए कि किसी नारी पर किसी बेटी पर किसी लड़की पर अगर ऐसे ऐसी सोच गंदी सोच रखते हैं ऐसी निगाह डालेंगे ऐसा कुकर्म उनके साथ करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। इसकी सजा जो है वो मौत होगी। तो जहाँ एक थोड़ा सा मैं जिक्र भी करती हूँ मौत की सजा तो ठीक है हम वेलकम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कि उन्होंने न्याय दिया ये भारत की सभी औरतों का सम्मान हुआ पूरी जनता का सम्मान हुआ कि पूरी जनता जो कि निर्भय रह चुकी थी निर्भय कांड में वो उन्होंने ये सोचा कि ये जो है जुर्म हुआ है आज इसके साथ हुआ है ये नहीं कि ये कोई रेप केसेस बंद हुए हैं अभी भी दिल्ली में एक दिन में 208 रेप केस एक दिन में होते हैं। रेप केस पर कोई बंदिश या रोक टोक नहीं लगी है रेप हमारी बेटियों के हो रहे हैं चाहे वो वूमेन है चाहे वो काम करने वाली कर्मचारी है चाहे वो दफ्तर जाने वाली है चाहे वो फैक्ट्री में जाने वाली है या घर में रहने वाली रेप जो है वो हो रहे हैं रेप जो है वो ख़त्म नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी जिस प्रकार का निर्भय के साथ हुआ वो जुर्म जो था वो बड़ा दर्दनाक और शर्मनाक था हमारे। क्या आपको लगता है सरकार के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बड़ी
वो होगी चुनौती सारी चुनौती नहीं उनके लिए बड़ी बहुत होगी कि इस तरह की घटना करने से पहले ये सवाल सोचेंगे कि जिस तरह से फांसी हुई है तो आपको लगता है कि ये डर पैदा होगा कि इस तरह की घटना करने से पहले सवाल सोचेंगे इस तरह की घटना करने वाले आदमी? उम्मीद तो यही है कि जो जिस सोचेंगे कि अगर हम ऐसा करेंगे किसी को हाथ डालने से पहले या किसी बात किसी के साथ कुकर्म करने से पहले वो जरूर सोचेंगे कि अगर उन चारों को मौत की सजा हुई है तो हमें भी मौत की सजा हो सकती है। सरकार से क्या मांग करेंगे कि आने वाले इस तरह से कानून किस तरह से बनाया जाए, इसके लिए क्या मांग करेंगे? मैं मांग ये करती हूँ कि कानून ठीक है, जो कानून हमारा बना है ये इसका फांसी का कानून जो अगर हमारे देश में है तो फांसी तो होनी चाहिए, क्योंकि ये एक हमारा फैसला नहीं है, ये पूरे देश का फैसला था, पूरे देश का वो था कि इन दोषियों को, इन आरोपियों को जो है सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि सजाए मौत तो सजाए मौत हो गई, वो तो मर गए, उनको कई जो भी जो है उनको हमारे यहाँ के बच्चों को या नौजवानों को या उन ऐसे लोगों को जो जल्दी सोच रखते हैं उनके लिए सबक होना चाहिए। तो मैं जो मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को सरकार ऐसे कानून बनाए कि इमेज है जिस वक्त वो ऐसी बर्बरता करें, ऐसी हरकत करें, ऐसा कुकर्म करें, उनके उसी वक्त दोनों हाथ रखने चाहिए ताकि आने वाले जो लोग हैं वो देखें कि अगर उनका ऐसा हुआ वो तड़प तड़प कर मरे, सिसक सिसक कर मरे, उनकी जिंदगी उनकी लाइफ इतनी इतनी दर्दनाक हो जाए जितनी दर्दनाक हो किसी लड़की को या किसी औरत को जिन्होंने दिया है ऐसा जुल्म जिनके साथ करें। ऐसे जुल्म के लिए कोई इतनी देर नहीं होनी चाहिए, ये जुल्म जो है वो ये कानून इतना जल्दी लागू होना चाहिए कि उसी वक्त इमीजिए उनको कोई ना कोई सजा ऐसी मिल जाए कि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो नस्ल उसके लिए सबक बन जाए। एक नागरिक होने के नाते सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ, जैसा कि हम सब ने देखा, टीवी में भी देखा, पेपर में भी पढ़ा कि निवृदा जो एक लड़की थी जिसके साथ एक अपराध हुआ था, 4 साल से वो के चला, हालांकि वो लड़की मर गई थी, तो उसके माँ बाप भी उसके इंसाफ के लिए समझ लो जहाँ उसकी बर्बादी के लिए बदला लेना चाहते थे और पूरा देश भी उसके साथ खड़ा था, वो भी चाहते थे और उसके इसको चलते चलते 4 साल हो गए थे। उसके बाद वो इंसाफ मिला जो सुप्रीम कोर्ट की जो बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसके लिए हमारे नागरिकों के होने के नाते, महिला होने के नाते और महिला बीइंग है जो हमारे बने हुए हैं उन तरफ की तौर से मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने फैसला एक टक होकर सुनाया जिसे हमारी महिलाओं के अंदर थोड़ी सी शक्ति आई। और मैं ये भगवान से उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में पहले तो ऐसे हालात ही नहीं बने, किसी की बेटी कोई भी ऐसा देश में कभी किसी कोने से हमें ऐसी खबर ना मिले। अगर कोई ऐसा कोई गलत काम करता भी है तो हमारी कानून हमारे ये जो कोर्ट बने हुए हैं ये इतने स्ट्रिक्ट हो जाएं कि करने वाले को पता चले, ऐसे 2, 4, 10 को ऐसे फांसी मिल जाए कि आने वाला जो इंसान जो है ऐसा काम करने से पहले 1000 बार सोचे। जब हमारी महिला सुरक्षित होगी तो देश भी सुरक्षित होगा, तो महिला सुरक्षित होगी तो घर भी सुरक्षित होगा, महिला सुरक्षित होगी तो घर स्कूल जो बने हैं वो भी सुरक्षित होंगे। महिला को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये हमने देख लिया कि अगर महिला के साथ गलत हो रहा है तो पूरा वो पूरी लाइफ उनकी बर्बाद हो जाती है, पूरा समाज भी डामाडोल हो जाता है। तो एक बार मैं दोबारा एक नागरिक होने के नाते सुप्रीम कोर्ट का जो धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये फैसला लिया, हालांकि इस फैसला लेने में बहुत सी मुसीबतें आई, बहुत से कुछ हुआ, पोलिटिकल प्रेशर भी रहा होगा और भी तरह से रहा होगा, लेकिन उन्होंने फिर भी उस फैसले को किया, तो ये बहुत बड़ी महिलाओं के लिए बहुत एक सम्मान की बात है।